सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं कहानी घर घर की। मेरा नाम सरिता देवी है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको आठवें नवरात्र के बारे में बता रही हूँ। अष्टम दिन महागौरी, माँ गौरी जी के आठवीं शक्ति का नाम महागौरी है और नवरात्र के आठवें दिन उनकी पूजा की जाती है। उनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर है, इसीलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। सौभाग्य, धन संपदा, सौंदर्य और स्त्री जनित गुणों की अधिष्ठात्री है। अधिष्ठात्री देवी महादेवी गौरी है। महागौरी सृष्टि का आधार है एवं अक्षत सुहाग के प्रतीक है। देवी के इस रूप की पूजा सौभाग्यवती का फल प्रदान करती है। उपासना का मंत्र है सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वासाथिक शरणाय यत्र बाके गौरी नारायणी नमो नमस्तुते। इनके गौरत की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूलों से की गई है और इनकी आयु 8 वर्ष की मानी हुई है। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि श्री आदि भी श्वेत है। माँ गौरी की कथा जैसे कि इनके नाम जैसे ही इनके कार्य हैं, संभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ गौरी अधिक शक्ति है, माँ गौरी आदि शक्ति है। इनके ओज और तेज से संपूर्ण जगत प्रकाशमान है। इनकी दुर्गा भक्ति सती में उल्लेखनीय है। शुभ निशुम राक्षसों से परास्त होने के पश्चाताप देवताओं ने गंगा तट पर जिस देवी की आराधना की वह महागौरी कहलाई। इनके विषय में 2 कहानियां प्रचलित है। एक कथा के अनुसार महादेव शिव को अपना वर बनाने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे उनका रंग काला पड़ गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने स्वीकार कर लिया और उनका शरीर गंगा जल से धोया। तब से देवी का शरीर अत्यंत कांतिमान हो गया, तेज भून हो गया। तभी उनका नाम माँ गौरी पड़ गया। दूसरी कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी के रूप के लिए शिव जी ने कुछ कटु शब्द कह दिए, जिससे पार्वती जी आहट हो गई और कठोर तपस्या में लीन हो गई। जब उनके वर्षों तक माँ पार्वती वापस नहीं आई, तब शिव जी उनकी खोज में निकल पड़े, अतः उन्हें ढूंढ लिया। शिव जी ने माँ पार्वती को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। उनके चेहरे पर तेज श्वेत रंग और उनकी ओजपूर्ण काया देख शिव जी ने उन्हें गौर वर्ण का वरदान दिया। तब से ही उन्हें महागौरी के नाम से जाना गया है। ये थी उनकी 2 कथा जो बहुत प्रचलित हैं। 4 भुजाओं वाली महागौरी के दाहिने हाथ की तरफ ऊपर की दिशा में अभय मुद्रा है और बाई ऊपर की तरफ भुजा में डमरू और नीचे की भुजा में त्रिशूल है। मैं आपको माता दुर्गा अष्टमी के बारे में बता रही थी। आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय माता की, जय माता का जयकारा। जो भी भक्त मेरी इस वीडियो को देख रहा है, भगवान माता उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करे। जय माता दी।